Assalamu Welcome to MCPS online classes. Students, hope you all are doing well. Students, today we will start our next chapter, chapter number 2, Fun with Numbers. In this chapter, we will discuss page number 13 to 19. Students, हमें यहाँ पर इस चैप्टर में नंबर्स के बारे में पढ़ना है कि अगर हम हमारे पास नंबर्स हैं कुछ एक्टिविटीज़ दी दे, दे रखी है हमें उन एक्टिविटीज़ को करेंगे तो हमें पता चलेगा हम नंबर को नंबर नेम में उनका नेम कैसे लिखते हैं है ना तो इन्हीं सारी चीज़ों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चलिए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसमें है कि गौरी राधिका और विक्की इंद्रा सुनील ये सब इमली कलेक्ट कर रहे हैं इमली को हम इंग्लिश में कहते हैं टैमरेंट के सीड्स जो हैं इमली के सीड बीज सीड होते हैं बीज ये इमली के बीज कलेक्ट कर रहे हैं तो डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीड सबसे ज्यादा किसने बीज इकट्ठा किए हैं तो हमें सबसे ज्यादा बताना है कि किसने किए हैं तो देखिए बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं कि किसने कितने किए हैं तो देखिए इंदिरा ने फिफ्टी फोर किए बाकी फोर्टी टू फोर्टी सेवन थर्टी एट ट्वेंटी फोर है ना तो इंदिरा कलेक्टेड द मोस्ट सीड्स सबसे ज्यादा सीड्स किसने कलेक्ट किए हैं इंदिरा ने सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीड्स टू भी इक्वल टू विक्की तो सुनील को कितने और कलेक्ट करने पड़ेंगे विक्की के बराबर सीट लेने के लिए तो सुनील ने किए हैं थर्टी एट और विक्की ने किए हैं फोर्टी टू तो हम लोग कैसे करेंगे फोर्टी टू थर्टी एट में से हम माइनस कर देंगे तो फोर्टी टू माइनस थर्टी एट तो कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा तो uh, सुनील को फोर और सीट्स तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर तो सुनील को फोर और सीट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे अगर उसे जो है विक्की के बराबर करना है पहले वाले का आंसर है इंदिरा दूसरे का है इफ़ राधा गेट्स सिक्स मोर सीट्स शी विल हैव अगर राधा के पास राधा छः और सीट्स ले लेगी ले तो उसके पास कितने हो जाएंगे थर्टी हो जाएंगे क्योंकि अभी तक राधा आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि राधा ने अभी तक ट्वेंटी फोर लिए हैं है ना हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव मोर देन फोर्टी सीट्स फोर्टी सीड्स किस कितने चिल्ड्रन के पास हैं तीन चिल्ड्रन के पास जो है फोर्टी सीड्स से ज़्यादा हैं और डैश नीड्स थ्री मोर सीड्स टू हैव फिफ्टी किसको तीन और सीड्स चाहिए फिफ्टी करने के लिए तो देखिए गौरी को गौरी को तीन और सीड्स चाहिए फिफ्टी करने के लिए सुनील हैज़ टू सीड्स लेस देन फोर्टी एंड डैश हैड्स टू सीड्स मोर देन फोटी सुनील के पास दो सीट कम है फोर्टी से मतलब सुनील के पास थर्टी एट सीट हैं और डैश हैज टू सीट्स मोर देन फोर्टी फोर्टी टू सीट्स किसके पास हैं तो देखिए विक्की है ना विक्की के पास हमारे फोर्टी टू सीट्स हैं तो ये हो जाएंगे इंदिरा फोर थर्टी थ्री और गौरी और फिर लास्ट वाले का हो जाएगा विक्की तो आप देख सकते हैं सबका इंदिरा के फिफ्टी सुनील के थर्टी गौरी के फोटी राधिका के ट्वेंटी और विकी के फोर्टी टू तो इसके अकॉर्डिंग हमने आंसर दे दिए नेक्स्ट है डॉट गेम आपको सर्कल सर्कल बनाने हैं और कुछ नहीं करना है गोले गोले बनाने हैं इसमें कितने सर्कल के अंदर कितने डॉट आए वो आपको काउंट करने हैं बस फिर धोनी की सेंचुरी वन डे मैच है ठीक है बिटवीन इंडिया और साउथ अफ्रीका और इसमें कहाँ हो रहा है गुवाहाटी में डैश इंडिया बैटिंग फर्स्ट ठीक है इंडिया बैटिंग कर रहा है फर्स्ट धोनी ने 96 रन बना लिए हैं उसको सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रन चाहिए होंगे अगर जो है एक ही बॉल बची है तो उसे एक बॉल में कितने रन चाहिए होंगे सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए सेंचुरी में होते हैं 100 रन धोनी ने 96 बना लिए हैं सेंचुरी 100 100 करने के लिए 96 प्लस फोर करना पड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 100 रन हो जाएंगे हाउ मैनी रन डू दीज प्लेयर्स नीड टू कंप्लीट सेंचुरी तो हमें कुछ लिस्ट दी हुई है कि ये वाले जो लोग हैं इनको अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रनों की जरूरत पड़ेगी तो ये देखिए 93 रन है 93 से 100 बनने के लिए कितने चाहिए प्लस सेवन नाइन्टी थ्री में आप सेवन प्लस करेंगे तो हंड्रेड बन जाएगा है ना और नाइन्टी सेवन में आप थ्री प्लस करेंगे तो हंड्रेड बन जाएगा एटी नाइन में आप अलेवन प्लस करेंगे और नाइन्टी नाइन में प्लस वन तो इन लोगों को कितने रन चाहिए होंगे इसको चाहिए होंगे सेवन रन इसको चाहिए होंगे थ्री इसको अलेवन और इसको वन इतने इतने रन चाहिए होंगे प्लेयर वन को सेवन प्लेयर टू को थ्री प्लेयर थ्री को अलेवन प्लेयर फोर को वन अपने जो है सेंचुरी को कंप्लीट करने के लिए ठीक हो गया ये वाला हमारा अब जो है आगे हम लोग देखते हैं इसमें हम लोगों को ना ब्लैंक्स फिल करने नाइनटी नाइन से आगे जो है जैसे कि नाइन्टी नाइन को हम नंबर में कैसे लिखते हैं नाइन नाइन करके फिगर में कैसे लिखते हैं सॉरी फिगर में हम लोग नाइन नाइन करके लिखते हैं और वर्ड्स में कैसे लिखते हैं एन आई एन ई टी वाई और एन आई एन ई कैसे लिखते हैं नाइन एन आई एन ई टी वाई नाइन्टी और नाइन ऐसे करके हम लोग लिखते हैं है ना फिर हम नाइनटी नाइन के बाद हंड्रेड लिखते हैं फिर वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड टू अब हमें फिर से ब्लैंक दिया हुआ है हमें वन हंड्रेड टू को फिल करना है ना तो वन हंड्रेड टू कैसे लिखेंगे तो सिमिलर देखिए वन कैसे लिखेंगे ओ एन ई वन एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड है ना वन हंड्रेड तो यही हो गया जैसे सबका चल रहा है और टू है तो टी डब्ल्यू ओ लगा देंगे बस तो जैसे कि वन हंड्रेड वन था ना यहाँ पे तो वन और हंड्रेड ऐसे उतार देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे टू लिख देंगे वन ऐसे ही उतार देंगे और हंड्रेड भी ऐसे ही उतार देंगे ठीक है अब देखिए वन हंड्रेड टू थ्री फोर फिर वन हंड्रेड क्या आएगा यहाँ पे क्या लिखा है वन हंड्रेड फाइव लिखा हुआ है ना यहाँ पे वन हंड्रेड फाइव लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन हंड्रेड फाइव फिर वन हंड्रेड सिक्स ऐसे फिर वन हंड्रेड सेवन तो वन हंड्रेड है ना वन हंड्रेड आप यहाँ पे लिख दीजिए और फिर सेवन एस ई वी ई एन लिख दीजिए फिर नीचे क्या है वन हंड्रेड एट तो यहाँ पे वन हंड्रेड एट लिख दीजिए फिर आगे फिर हमें वन हंड्रेड नाइन वन हंड्रेड टेन वन हंड्रेड अलेवन तो वन हंड्रेड ट्वेल्व दे रखा है फिर तो वन हंड्रेड ट्वेल्व आप यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे करके इसी तरीके से सारे फिल करने हैं तो फिर वन हंड्रेड नाइन्टी एट के बाद क्या आएगा वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन तो वन हंड्रेड नाइन्टी नाइन ये आया हुआ है फिर आएगा टू हंड्रेड टू हंड्रेड वन टू हंड्रेड वन के बाद क्या आता है टू हंड्रेड टू आएगा तो क्या लिखेंगे आप टू हंड्रेड एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड और टू तो क्या हो जाएगा टू हंड्रेड टू फिर टू हंड्रेड थ्री फिर क्या आ जाएगा टू हंड्रेड फोर आ जाएगा फिर टू हंड्रेड सिक्स टू हंड्रेड टू है ना हंड्रेड यहाँ पे और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा ये हो गया ठीक है हाँ अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या ओ टू हंड्रेड सिक्स हाउ मैनी टू मेक ट्रिपल सेंचुरी ट्रिपल का मतलब होता है तीन टाइम्स तो ट्रिपल सेंचुरी बनाने के लिए आपको थ्री हंड्रेड लाने पड़ेंगे थ्री डबल जीरो अब हमें बहुत सारे प्लेयर्स के स्कोर दिए हुए हैं तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन है सी के जस्ट मिस हिस सेंचुरी हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक अ सेंचुरी तो सी के ने सिर्फ सेंचुरी मिस कर दिया है ना तो सीके ने कितने बनाए थे नाइनटी नाइन बेचारा बताओ सेंचुरी कैसे मिस हो गई एक रन से तो एक रन से सीके की सेंचुरी मिस हो गई डैश एंड डैश स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल रन किस किस के जो रन है वो इक्वल बने हैं हमारे तो कितने इक्वल रन बने हैं हमारे किस इक्वल -किस आए हैं तो सी uh, एस और सीके के ऑलमोस्ट इक्वल रन है तो किस किसके एस ए एस और अभी मैं आपको पहले करवा दे रही हूँ फिर एक बार हम टेबल में देख लेंगे तो और सी के इन दोनों के ऑलमोस्ट इक्वल रन हमारे बने हैं ए एस और सीके तो ए एस के कितने हैं हंड्रेड और सीके के कितने हैं नाइन्टी नाइन तो ऑलमोस्ट हंड्रेड ना बिल्कुल पास पास तो सी एस और सीके के बिल्कुल पास पास हंड्रेड 99 नाइन रन है फिर डैश स्कोर अ कम्प्लीट सेंचुरी नो लेस नो मोर किसने पूरे हंड्रेड रन बनाए हैं कम्प्लीट सेंचुरी का मतलब पूरे पूरे हंड्रेड ना ही कम ना ही ज्यादा तो किसने पूरे पूरे, पूरे बनाए हैं ना ही कम ना ही ज्यादा ए एस ने तो ए एस ने बनाए हैं यहाँ पे आप ए एस लिख दीजिए पूरे पूरे मतलब कम्प्लीट मतलब सेंचुरी ना ही कम ना ही ज्यादा मोर रन स्कोर बाय एनी बैट्समैन आर सबसे ज्यादा रन मोस्ट रन सबसे ज्यादा रन किस वाले उसने बैट्समैन ने बनाए हैं तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है 178 सेवेंटी एट किसने बनाए हैं सबसे सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं एम डी ने है ना तो देखिए एम डी जो है यहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा रन जो है स्कोर किया है अब नेक्स्ट है डैश एंड डैश हैव अ डिफरेंस ऑफ जस्ट वन रन बिटवीन देम किस किस के बीच में एक ही रन का डिफरेंस है तो देखिए इनके बीच में सी एस और सी के इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस है एक रन का सी एस यहाँ पर भर दीजिए सी के यहाँ भर दीजिए तो लिख दीजिए सी एस और सी के डैश स्कोर्ट मोर देन हाफ एंड हाफ सेंचुरी तो किसने वन फिफ्टी रन से ज़्यादा बनाए हैं स्कोर टू मोर देन वन एंड अ हाफ सेंचुरी वन एंड अ हाफ कितने होते हैं वन फिफ्टी वन फिफ्टी से टू और ज्यादा वन फिफ्टी टू किसने बनाए हैं तो देखिए वन फिफ्टी टू बनाए हैं के एस पी ने देखिए वन फिफ्टी टू किसने बनाए हैं वन फिफ्टी टू बनाए हैं के एस पी ने अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काउंटिंग इन टेंस तो टेंस में काउंटिंग हमें करके बतानी है तो जैसे कि यहाँ पे टेन आ रहा है यहाँ पे ट्वेंटी यहाँ पे थर्टी तो यहाँ पे फोर्टी भर देंगे ठीक है यहाँ पे फिफ्टी यहाँ पे सिक्सटी फिर इसी तरीके से इसको थोड़ा और बारीक करके ले लेते हैं है ना देखिए यहाँ पे फोटी है ना फिर यहाँ पे फिफ्टी फिर सिक्सटी फिर सेवेंटी एट्टी और फिर नाइन्टी है ना फिर ये वन हंड्रेड टेन के बाद काउंटिंग इन टेंस करनी है तो वन हंड्रेड टेन के बाद अगर हम टेन प्लस करेंगे तो क्या आएगा वन ट्वेंटी आ जाएगा फिर प्लस करेंगे टेन तो वन थर्टी फिर प्लस टेन वन फोटी प्लस टेन वन फिफ्टी सॉरी लाइन से बन गए प्लस टेन वन सिक्सटी प्लस टेन वन सेवेंटी और वन एट्टी ऐसे करके बन गई फिर टेन टेन में प्लस करना है तो ये थ्री ट्वेंटी हो जाएगा फिर ये थ्री थर्टी थ्री फोटी ऐसे करके थ्री फिफ्टी थ्री सिक्सटी थ्री सेवेंटी थ्री एट्टी थ्री नाइन्टी और फोर हंड्रेड फिर हम लोग सेवन हंड्रेड की लाइन में चल रहे हैं तो सबसे ऊपर क्या आएगा पहले यहाँ पर सेवन ट्वेंटी है ना तो सेवन हंड्रेड टेन आएगा सेवन ट्वेंटी फिर सेवन थर्टी फिर सेवन फोर्टी सेवन फिफ्टी सेवन सिक्सटी सेवन सेवनटी सेवन एट्टी फिर सेवन नाइन्टी और सेवन हंड्रेड हमने टेन टेन प्लस क्यों किया क्योंकि काउंटिंग इन टेंस है किस किस में काउंटिंग है काउंटिंग इन टेंस हम लोगों को करनी है इसलिए हम लोगों ने टेन टेन प्लस किया सब में फिर काउंटिंग इन फिफ्टीज हम लोगों को फिफ्टी फिफ्टी आगे बढ़ना है तो टू हंड्रेड आ गया टू फिफ्टी आ गया अब क्या आएगा थ्री हंड्रेड क्योंकि टू फिफ्टी में देखिए आपको कैसे करना है टू फिफ्टी में आप फिफ्टी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा टू फिफ्टी प्लस फिफ्टी बनेगा जीरो जीरो ज़ीरो फाइव फाइव टेन फाइव प्लस फाइव कैरी वन थ्री प्लस वन टू सॉरी टू प्लस वन थ्री तो थ्री हंड्रेड फिर थ्री फिफ्टी में आप फिफ्टी ऐड करेंगे तो फोर हंड्रेड बनेगा 400 में फिर से आप 50 ऐड करेंगे तो 450 बनेगा आपको सब में 50 50 ऐड करते जाना है फाइव में 50 ऐड करेंगे तो 600 600 में 50 650 650 में 50 700 750 में 50 तो 800 हमारा बन जाएगा तो इस तरीके से ये ज़ीरो है इस तरीके से हमारा ये टेबल बन जाएगा फिर नेक्स्ट है हाउ फार कैन यू गो लाइक दिस हम तो बिल्कुल एंड तक जा सकते हैं क्योंकि नंबर्स का तो कोई एंड ही नहीं होता हम लोग तो बढ़ते जाएंगे नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे वट इज़ द बिगेस्ट नंबर यू कैन कॉल आउट आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉल आउट कर सकते हैं तो भाई देखिए इसकी तो कोई एंड ही नहीं है कि आप सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा कॉल आउट कर सकते हैं तो कोई बिगेस्ट नंबर इस तरह से होता ही नहीं है तो आप वन लाख करोड़ थाउजेंड ऐसे करके पढ़ाई पढ़ाई जा सकते हैं तो ऐसा कोई ऐसा इनफाइनाइट आप लिख दीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम बोल सकते हैं कलर द नंबर इन नंबर्स को आप कलर कर लीजिए इन वाले की हेल्प से है ना फाइंड दीज नंबर्स इन द अबव चार्ट कलर दैम तो ग्रीन से आपको कलर करना है वन हंड्रेड फोर्टी तो ठीक है वन हंड्रेड फोर्टी कहाँ पर है अब हम लोग आप देख लेते हैं आ, आपके कौन कौन से हैं तो वन हंड्रेड फोर्टी तो वन हंड्रेड फोर्टी कहाँ पर है ये रहा वन हंड्रेड फोर्टी टू हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड टू सॉरी टू हंड्रेड टू कहाँ पर है टू हंड्रेड टू ढूंढिए इसमें तो टू हंड्रेड टू ये रहा है ना और 261 261 आपको ढूंढना है तो 261 भी आप ढूंढ लीजिए ये रहा तो इस तरीके से आपको जो है नंबर्स ढूंढने हैं इससे हेल्प से एक जो इस वाले में लिखे हुए हैं वो ग्रीन वाले से कलर करना है इसमें जो लिखे हैं वो रेड वाले से इसमें जो लिखे हैं येलो वाले से अब ये वाले कैसे करते हैं देखिए थ्री हंड्रेड लिखा है उसमें प्लस करना है सेवेंटी फिर उसके बाद हमें प्लस करना है फोर तो इन सबको प्लस करेंगे तो फोर प्लस जीरो प्लस ज़ीरो जाएगा फोर सेवन प्लस ज़ीरो हो जाएगा सेवन और नीचे उतर के आएगा थ्री तो कितना बन जाएगा यहाँ पे थ्री हंड्रेड सेवेंटी फोर ये हमारा बन जाएगा थ्री हंड्रेड सेवेंटी फोर यहाँ पे बन के आ जाएगा इसी तरीके से सिक्स हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस सिक्स सिक्स हंड्रेड फिफ्टी सिक्स हंड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस फाइव तो 155 ऐसे करके फिर आपने बना लिए और फिर ऊपर जो है सर्कल कर दीजिए इनमें ढूंढ करके अलग अलग कलर से जो, जो जो गिवन है वीडियो में हमने पेज नंबर 13 टू 19 तक डिस्कस किया है चैप्टर को समझा है जिसमें हमने ये देखा है कि अगर नंबर्स हैं हमें कुछ ऐड करना है तो क्या नंबर बन जाएगा अगर हम उसमें से कुछ कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा है ना और हमने कुछ एक्टिविटीज़ की छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं तो इन एक्टिविटीज़ को और इस जो भी मैंने आपको आज समझाया एक्सप्लेन किया है आप भी अपनी बुक में उसको फिल करिए और मैं असाइनमेंट दूँगी उस असाइनमेंट को आप अपनी नोटबुक में कम्प्लीट करिएगा ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो आगे की कंटिन्यू है हमारा चैप्टर उसको कंटिन्यू करेंगे आगे के चैप पेजेस को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ठीक है बाय टेक केयर थैंक यू